नमस्कार साथियों, भारत सरकार की चीन के मामलों में जो चुप्पी है वो बहुत ही रहस्यमयी चुप्पी है। लोगों को समझ में नहीं आ रही कि इस मामले में सरकार और खास तौर पे प्रधानमंत्री जी क्यों चुप रहते हैं। हमारी तमाम सीमाओं पर कहीं ना कहीं एक कोलैप्स होती हुई, गिरती हुई विदेश नीति दिख रही है पिछले 5-6 सालों। नेपाल, पाकिस्तान और चीन का तो खबरें लगातार पिछले मार्च से हम लगभग सुन ही रहे हैं। अब एक समाचार आई है कि भूटान की जो टेरिटरी है डोकलाम से 9 किलोमीटर दूर, वहां कुछ सेटलमेंट, कुछ गांव चीन ने बसा दिया है और ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जो सबके सामने आई हैं, पब्लिक डोमेन में आई हैं। इससे जो खतरा पैदा हो रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, तो चिकन्स नेक को, वो खतरा जो समझते हैं वो जानते हैं, वो खतरा जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर जो हमारे राज्य हैं उनका जो एक्सेस है हिंदुस्तान के साथ, उनको उस एक्सेस को वो खतरा है। अर्थव्यवस्था चौपट हुई, प्रधानमंत्री चुप। जो देश का एक सामाजिक समरसता और देश में जो एक सामाजिक शांति वो ध्वस्त हो रही है, चुप्पी। विदेश नीति के नाम पर जो मजाक हुआ है पिछले 5-6 सालों में, उस पर तो उम्मीद थी कि कुछ कोई बोलेंगे, कोई जिम्मेदार आवाज सुनाई देगी, लेकिन नहीं, वहां भी कुल मिलाकर पूरी चुप्पी है। पिछले कुछ दिनों में जो सैटेलाइट इमेजेस जिनके बारे में मैंने अभी बताया, वो डोकलाम इलाके की जो आई हैं, ये वो इलाका है जो 2017 में जो डोकलाम का डिस्प्यूट हुआ था उससे 10 किलोमीटर दूर है। और ना केवल वहां एक गांव बसाया गया है चीन द्वारा, बल्कि एक 9 किलोमीटर लंबी मजबूत पक्की सड़क भी बनाई गई। इसके प्रभाव, इसके दुष्प्रभाव बहुत सारे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्वोत्तर राज्यों की जो हमारा जो कनेक्शन है, जो हमारा जो जिससे हम जुड़ते हैं पूर्वोत्तर राज्यों से, वो उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, उसकी सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बहुत स्पष्ट है कि केंद्र सरकार कम से कम इसमें स्वीकार करना चाहिए उनको कि वो असफल रही है चीन को रोकने में अलग अलग हमारी सीमाओं पर। लद्दाख की चर्चा बार बार हुई, सरकार की तरफ से नहीं लेकिन मीडिया की तरफ में, मीडिया में बहुत चर्चा हुई, हमने आपके समक्ष आकर बहुत बार इस पर चर्चा की। और बड़े दुख का और खेद का विषय है कि चर्चा अगर सरकार ने की भी तो अलग अलग स्वरों में अलग अलग तरह से बात हुई। वेबसाइट से चीजें उड़ा दी जाती थी, तथ्य हटा दिए जाते थे, प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में आकर उसके बाद जो स्टेटमेंट देते थे उससे प्रत्येक भारतवासी को बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा दुख हुआ, जिस तरह की उन्होंने क्लीन चिट चाइना को दी। चीन का नाम लेने से भी वो नहीं लेने की हिम्मत जुटा पा रहे, ये अच्छी बात नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए, देश के आत्मबल के लिए एक मजबूत सेना है इस देश में। इस सेना ने बार बार साबित किया है पूरे विश्व में अगर मजबूत सेनाओं में गिनती हो तो भारत की सेना की गिनती अग्रणी मानी जाती है। स्टेटस को लद्दाख का बदला, यथास्थिति वहां बदली, जो अप्रैल 2020 की यथास्थिति थी आज वो नहीं है। यह बात स्पष्ट तौर पे आप सरकार में भी कोई ये बात स्पष्ट तौर पे इसको इनकार नहीं कर पाएगा कि वो यथास्थिति जो अप्रैल 2020 में लद्दाख में थी वो अब नहीं, वही स्थिति अब डोकलाम की हो रही है। इसी डोकलाम के बारे में हमने बहुत ज्यादा सुना टीवी डिबेट्स में, इनके प्रवक्ता आकर के थे देखो हमारे सब्र का नतीजा कि डोकलाम सॉल्व हो गया। उसके बाद चाय पार्टी हुई, झूले झूले गए, सब कुछ हुआ, डोकलाम सॉल्व नहीं हुआ, ये आज साबित होता है इन सैटेलाइट इमेजेस से साबित। 2017 में जब चीन ने जोम्पेलरी रिज को पहुंचने का प्रयास किया तो हमारी वीर सेना ने वहां उनको रोका
और सफलतापूर्वक रोका। काफी लंबा स्टैंड ऑफ चला, बहुत दिनों बहुत महीनों तक का चला। फिर एक डीएस्केलेशन की प्रक्रिया हुई, वार्तालाप हुई, दोनों सेनाओं के लिए तय हुआ कि अपने अपने उस स्थान से वापस जाएंगी जहां वो आ गए थे आमने सामने। जाहिर है भारतीय सेना ने इस बात का सम्मान किया और वो बफर जोन का सम्मान किया, लेकिन चीन की सेना ने इस डीएस्केलेशन जो हमारी एक समझौता हुआ था उसका सम्मान नहीं किया और वो फिर से अपनी हरकतों पर आ गए हैं। चीन ने जो 2017 में प्रयास किया था वो अब उस प्रयास में 10 किलोमीटर दूर जाकर सफल होता हुआ दिख रहा है और सैटेलाइट इमेजेस से यह स्पष्ट होता है कि यह कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर्स नहीं है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, पक्की सड़कें। नियत स्पष्ट तौर पे नजर आ रही है कि नियत ऐसी नहीं है कि आज आए और कल चले गए, नियत वहां बसने की है। वहां एक नदी बहती है, कहीं फ्लैश फ्लड्स ना आ जाएं, जो अचानक मौसम में बाढ़ आ जाती है वो ना आ जाए, तो उसके लिए एक पक्की दीवार बनाई गई है। ये तमाम चीजें सैटेलाइट पिक्चर में आपको दिख रही हैं। जिस तरह की सड़क बनी है, जिस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हैं, वहां बड़ी मशीनें जरूर आई होंगी, उनके बगैर वो नहीं बन सकती। अच्छी क्वालिटी की सड़क है तो मतलब आवागमन के लिए उसको सुचारू बनाया गया है, सुदृढ़ बनाया गया है। इससे एक चीज बड़ी स्पष्ट होती है कि ना केवल इस सड़क से चीन को जोंपेलरी रिज का रास्ता उसके लिए आसान हो जाएगा, बल्कि इसी रास्ते से चिकन स्नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो जो छोटी सी एक पतली जो झर्री है, वहां भी उनका कनेक्शन हो जाएगा, जिससे हमें खतरा है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को। भूटान हमारा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही नजदीक, घनिष्ठ हमारा उनसे संबंध रहे हैं, आज से नहीं, ऐतिहासिक रूप से वो संबंध रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार उन संबंधों को दरकिनार नहीं कर रही, उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठाएगी कि हम अपने पड़ोस में एक और मित्र न खो दें। हमने पिछले 6 साल में हमारे सीमाओं पर बहुत कुछ होते हुए देखा है जिसका सीधा सीधा संबंध जिस तरह की हमारी विदेश नीति रही है उससे है।